Good morning, children. Now, before it, I teach you always two lessons. Okay? Two lessons, prose, some prose, and one poem. And next poem is lesson two, sympathy. अबाउट द पोएट, अगर कोई भी आप पोयम को पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेटा आपको ये समझना चाहिए कि उसका पोएट कौन है। बिना पोएट समझे हम इस पोयम को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो पोयम के जो पोएट है, देखिए कौन है। द पोएट ऑफ दिस पोयम इज चार्ल्स मैके, ठीक है। इस पोयम के पोएट कौन है? चार्ल्स मैके। ही वॉज ए स्कॉटिश पोएट। ही वॉज बॉर्न इन 1814 इन स्कॉटलैंड, ठीक है। वो कब? 1814 में स्कॉटलैंड में वो पैदा हुए थे। एट द एज ऑफ 16 ही वॉज इम्प्लॉयड एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी टू विलियम कॉकरेल। अब देखिए 16 वर्ष की आयु में, मतलब देखिए उनमें कुछ करने की कितनी जुनून था, कितना वो था कि वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे, तो वो खाली नहीं बैठे, बल्कि 16 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में विलियम कॉकरेल के साथ काम किया। कहाँ पे? बेल्जियम में, ठीक है। कहाँ पे काम किया इन्होंने? बेल्जियम में। ही स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स फॉर द लोकल न्यूज़पेपर इन हिज स्पेयर टाइम। अब जो उनका खाली समय होता था, खाली समय में भी समझिए वो बैठते नहीं थे, माने उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता था, कुछ ना कुछ वो करना चाहते थे, तो वो खाली समय में भी वो क्या लिखते थे? आर्टिकल्स लिखते थे, और वो भी एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर के लिए वो खाली समय में अपना आर्टिकल्स लिखते थे। मैकेस पोएट्री वॉज कलेक्टेड अंडर द टाइटल वॉइस फ्रॉम क्राउड। अब मैकेस की जो पोएट्री है वो समझिए इतनी इंटरेस्टिंग पोएट्री थी, इतनी दिलचस्प पोएट्री थी कि उसको किसने, मैकेस पोएट्री को कलेक्ट किया किस टाइटल में? वॉइस फ्रॉम क्राउड, उसने एक साथ इसको कलेक्ट किया गया उसके पोएट्री को। वन ऑफ हिज फ्रेंड हेनरी रसल Set some of his poetry to music, the good time coming. देखिए उनके जो फ्रेंड थे, उनके जो अपना खास फ्रेंड थे, उन्होंने क्या किया, उनकी पोएट्री को जब उन्होंने पढ़ा तो उनकी पोएट्री को उन्हें बहुत ही दिलचस्प लगा, बहुत ही अच्छा लगा, तो उसको उन्होंने किस में परिवर्तित कर दिया? एक म्यूजिक के रूप में, समझिए उसके पोएट्री को उन्होंने एक म्यूजिक के रूप में करके, और उसका भी एक उन्होंने फाइल बनाई क्या, द गुड टाइम कमिंग, उसमें करके उन्होंने म्यूजिक के रूप में उस पोएट्री को सब उन्होंने उसमें कलेक्ट किया। वन सॉन्ग सीट सोल्ड फॉर 4 लाख कॉपी। अब समझिए उनकी एक सॉन्ग सीट जो है वो जो है उसकी 4 लाख कॉपी जो है वो आपकी बिक गई। इतना मशहूर हुआ, इतना फेमस हुआ, लोगों को वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसकी इतनी सारी कॉपीज जो है उनकी फटाफट वो मार्केट में बिक गई। बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो, तो उन्होंने उनकी जो ये पोयम का जो है लिखने का तरीका जो है, इनको भी उनके फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसको म्यूजिक के रूप में वो किया। अब आइए पोयम को समझने के लिए हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इस पोयम की कुछ बातें समझते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले इस पोयम के बारे में क्या है। सिंपैथी इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड। आप यही देखिए, सिंपैथी क्या है? एक भगवान के रूप में देखा जाता है, बहुत ज्यादा ये मतलब महत्व रखता है। आपका पैसा कौड़ी कुछ भी जो है ये आपका इतना महत्व नहीं रखता जितना एक सिंपैथी है। आप किसी को कुछ भी दे दीजिए और लीजिए, आपको दे दिया, हो गया, नहीं। अगर आप देने के साथ कुछ उसके साथ सिंपैथी दिखाइए, कुछ अपने नम्र वाक्य उससे बोलिए, तो ये उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा उसको ये अच्छा लगता है कि इसने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। तो ये है द पोएट हैज
rightly depicted the reality that a rich and proud man without sympathy and kindness. A poet, समझ लीजिए, इन्होंने दो रूप से अपने इस पोयम को, सिंपैथी को इन्होंने वर्णन किया है. पहले तो एक प्राउड मैन के थ्रू, एक प्राउड माने घमंडी और अमीर आदमी के रूप में इस पोयम को इन्होंने वर्णन किया है कि जिसके अंदर ना सिंपैथीनेस है और ना ही काइंडनेस है. मतलब सिर्फ उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसे कोई ज्यादा महत्व देता है और इन सब चीजें को, सिंपैथी काइंड को कोई भी महत्व नहीं देता. एक उसने इस रूप में वर्णन किया. और दूसरा, ऑफ द हर्ट इज नॉट सो मच रिस्पेक्टेड एज ए पुअर पर्सन हैविंग हर्ट ऑफ फुल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडनेस टू एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. अब यही चीज उन्होंने फिर एक पुअर आदमी के लिए कहा, एक गरीब आदमी के लिए कहा. गरीब आदमी समझ लीजिए, हालांकि उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन उसके हृदय में सिंपैथी, काइंडनेस, लव, ये सब बहुत ज्यादा है. मतलब वो किसी की परेशानी को, किसी के दुख को बहुत अच्छी तरह से समझता है. आपको पता ही है, जैसे एक कहावत है, घायल की गति घायल ही जाने और जाने ना दूसरा कोई. तो इसी तरह से है कि जब एक पुअर व्यक्ति उसको अपने समझता है कि क्या बीती क्या हुआ, तो वो दूसरों के प्रति भी उसकी जो है संवेदना बहुत ज्यादा रहता है. बहुत अच्छे से दूसरों के साथ व्यवहार, उसका जो हृदय है वो पूरे आपके सिंपैथी और काइंडनेस से भरा हुआ रहता है. द मनी टेकन इन नीड कैन बी रिटर्न. अब देखिए, पैसा कितनी बड़ी बात कही है पोएट ने. जो पैसा है वो तो हम किसी से भी लेते हैं तो उसको हम वापस कर देते हैं. भाई समय पे उसने हमको दिया, हम उसको वो पैसा जाके थैंक्स कह के उसका पैसा हम उसको वापस कर देते हैं. लेकिन बेटा, क्या विद द थैंक्स व्हेन द पेनफुल डेज आर ओवर बट द सर्विस रेंडर्ड फिजिकली कैन बी नेवर बी रिटर्न. आप समझ लीजिए, आप जब आपके दुख वाले दिन चले गए तो आपने उसको वापस कर दिया उसका पैसा, लेकिन क्या आपने जो उसकी दिन रात सेवा करी, उसके लिए रात दिन लग के उसके मेहनत किया, उसको दवाई दिया, उसको खाना दिया, उसके दिन रात लग के सेवा करी, क्या आप उसको वापस कर सकते हो? नहीं, हम वो वापस नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए है कि किसी का पैसा तो आप आसानी से वापस कर दोगे, लेकिन किसी के द्वारा किया गया फिजिकली जो सर्विस है वो हम उसको वापस नहीं कर सकते. ठीक है ना? तो आप खुद ही समझ लीजिए कि एक पोएट जो है वो किस तरह से अपने पोएम को वर्णन करता है. और उसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि इस पोएम को बच्चे या कोई भी बहुत आसानी से समझे. जब तक देखिए कोई चीज हमको समझ में नहीं आएगा तो हमको उसको पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, कोई वो नहीं है. जब तक हमारे दिमाग में, हमारे इसमें पूरा ये समझ में आ जाती है बात कि हाँ ये पोएट कहना क्या चाह रहा है, उसके अनुसार हम उसको समझे, तभी हमारा पढ़ना स्वागत है. ठीक है बेटा? तो ये हुआ आपका अबाउट द पोएट एंड अबाउट द लेसन. नाउ नेक्स्ट हम आपको इसका स्टैंजा, कॉम्पेरिजन और बाकी चीजें बताते हैं. ठीक है बेटा? ओके, अब हम आइए मेन पोयम का एक्सप्लेन करते हैं. ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पोयम का अर्थ ठीक से नहीं समझोगे तब तक आप इसके आगे कुछ भी नहीं लिख सकते हो, नहीं कर सकते हो. ठीक है? इसलिए अब हम आपको इसका एक्सप्लेन समझाते हैं. बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से इसको देखिए. ये पोयम का अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है. देखिए, फर्स्ट है, आई ले इन सोरो deep distress, my grief a proud man heard. Poet कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? ये poet कह रहे हैं कि मैं जो है बहुत दुखी, बहुत ही दुख, बहुत ही sad अवस्था में लेटा हुआ था. Distress, deep distress माने बहुत ही अप्रसन्न था मैं, मेरे अंदर कोई खुशी, कोई joy नहीं था, मैं बहुत ही दुख में था. My grief a proud man heard, और मैं देखी बहुत ही दुखी में था. तो ये रियली है कि जब मैं
हम कष्ट में होते हैं तो हमारे मुंह से आहा की आवाज, कराहटों की आवाज आती है, ठीक है ना। कष्ट में ओह आह कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है। तो जब हम लेटे हुए थे बहुत दुख में, बहुत दर्द में, तो मेरे मुंह से कराहट निकल रही थी, एक दर्द निकल रहा था। उस दर्द को किसने सुना? एक प्राउड मैन ने, एक प्राउड रिच घमंडी आदमी ने सुना। His looks was cold, he gave me gold. मेरे कराटों को, मेरे दुख को उसने बड़े ठंडे उससे देखा, जैसे कि कोई उसको मतलब नहीं है, जैसे एक अमीर है कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको कैसे देखते हैं, ऐसे नॉर्मली रूप से इस तरह से देखा। और उसने सोचा चलो गरीब है ऐसा है, इसको पैसा दे देते हैं, पैसा ही इसके लिए सब कुछ है ना बेटा। तो उसने क्या किया, उसको गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे आपका मनी के रूप में लिया गया है, मनी दिया उसको, पैसा दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड। देखो बेटा, उसने सोचा बस पैसा दिया यही सब कुछ है ना। और उसने पैसा देने के साथ कोई भी दयालुता के शब्द नहीं बोले कि थोड़ा सा उसको सिंपैथी दिखाते, कुछ सहानुभूति के शब्द बोलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बस उसका काम क्या है, पैसा दिया, हो गया काम भैया। मैंने अपनी तरफ से उसने समझो बहुत बड़ा महान काम कर दिया कि उसने उसको पैसा दे दिया, ठीक है। My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. अब क्या है, मेरे दुख के दिन, मेरे कष्ट के दिन बीत गए, ठीक है। I paid him back, उसने मुझे जो दिया था, क्या दिया था, पैसा, है ना बेटा। तो उसने जो मुझे पैसा दिया था, मैंने उसको वापस कर दिया। The gold he gave to me, जो पैसा उसने मुझे दिया था, मैंने जाके उसको वापस कर दिया। The stood erect and spoke my thanks, तब मैंने एकदम सीधे होके खड़े होकर बहुत ही सज्जनता के साथ पैसा देने के लिए उसको धन्यवाद कहा। देखिए, देने वाले ने उसके साथ सहानुभूति वाले शब्द नहीं कहे, है ना बेटा। और लेकिन पोएट के अंदर देखिए ये भावना थी कि इसने मेरी मदद की, तो उसने थैंक्स के साथ, धन्यवाद के साथ उसका पैसा उसको वापस लौटाया। एंड ब्लेस हिज चैरिटी, एंड ब्लेस हिज चैरिटी, और उसने जो हमको दान दिया था उसके लिए मैंने उसकी काफी भरपूर प्रशंसा करी कि हाँ चलिए आपने दुख में हमको पैसा दिया, इसके लिए मैंने उसको बहुत उसकी प्रशंसा करी, ठीक है ना बेटा। आपको आया समझ में ठीक से? तो इसको ध्यान से आप एक एक लाइन को पढ़िए, और एक एक लाइन को जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से उसको समझिए कि यहाँ पर एक प्राउड मैन का विस्तार किया गया है, वर्णन किया गया है कि एक प्राउड मैन ने किस तरह से उसकी मदद करी, एक दुख की पोएट की किस तरह मदद करी, और कैसे उसने फिर उस पैसे को उसको जाके वापस किया, वो भी धन्यवाद के साथ, ठीक। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट। आई ले इन बॉन्ड एंड ग्रीव एंड पेन, ए पुअर मैन पास माई वे। अब दूसरे टाइम, नेक्स्ट टाइम पोएट जो है फिर वो क्या है, बीमार पड़ा, और उसमें उसको फिर बहुत ज्यादा किसकी जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, ठीक है। बहुत दुख में था, बहुत दर्द में था, बहुत ही कष्ट उसको हो रहा था, और उसके कष्ट को फिर किसने सुना, ए पुअर मैन पास वे, एक गरीब आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसी पोएट के पास से वो जा रहा था। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉच मी नाइट एंड डे। अब देखिए कितना अंतर है, पुअर गरीब आदमी ने उसको देखा, उसके दर्द को समझा, और उसने ये नहीं सोचा कि खाली बस उसको पैसे दे दीजिए बहुत है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने जो उसका सिर में दर्द हो रहा था उसको उसने पट्टी बांधी, उसके सिर को उसने पट्टी बांधी, और उसको खाने के लिए भोजन दिया, ब्रेड दिया, ठीक है, फूड दिया उसको खाने के लिए। ही वॉच मी नाइट एंड डे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने रुक कर दिन और रात उसकी सेवा की, उसकी देख रेख की। ये होता है बेटा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि किसी का दिल से आप मदद करिए, दिल से करिए, वो ज्यादा माने रखता है। तो उस गरीब आदमी के पास इतना वो था
कि वो रुक कर उसको उसने उसके दर्द में उसके सिर को बांधा, उसको खाने को दिया और रुक कर रात दिन उसकी सेवा करी। हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन। अब देखिए प्राउड मैन का तो उसने क्या किया था, पैसा जाके उसको वापस दे दिया, लेकिन अब इसको वो वापस कैसे करे? ठीक है, जो उसने रात दिन उसकी सेवा करी, उसको पट्टी बांधा, देख रेख किया, समय पे दवाई दिया, पानी दिया, इसको वो वापस कैसे करें? ठीक है, फॉर ऑल द डिड टू मी, जितना उसने मेरे लिए किया ये सब, मैं उसको कैसे वापस करूं? ओह गोल्ड इज ग्रेटर बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। कह रहे पोएट कि हाँ मैं मानता हूँ पैसा बड़ा है, बहुत बड़ा है, पैसे के बिना वाकई में इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा किसको मानता हूँ? सहानुभूति को। कहते मैं पैसे से भी बड़ा सहानुभूति को मानता हूँ कि उसने किस तरह से सहानुभूति आभार व्यक्त करके मेरे पास रुका और मेरी सेवा करी, मेरी देख रेख की, इस तरह से उसने उसको दिन रात लग के सेवा किया, इसको मैं कैसे वापस? पैसा तो चलिए उसने वापस कर दिया, तुमने दिया, चलिए मैं ठीक हो गया, मैंने उसको वापस कर दिया, लेकिन इस जो फिजिकली उसने उसके साथ किया, फिजिकली सर्विस जो किया, इसको वो कैसे वापस करे? आ रहा ना बेटा समझ में कि ये फिजिकली आप किसी के लिए करोगे तो कैसे वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, पैसा तो आसानी से कर सकते हो। इसलिए बेटा सबसे जरूरी है सिंपैथी, किसी के लिए सिंपैथी रखना बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। ठीक है बेटा, ये हमारा एक्सप्लेन जो है पोयम का यहीं पे खत्म होता है। अब आगे हम आपको इसके बारे में फिर कंपैरिजन द्वारा समझाते हैं। कुछ मुख्य पाठ हैं कंपैरिजन के जो लिए हैं वो मैं आपको समझाती हूँ और लिखाती हूँ। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेनेशन समझाया कि किस तरह इस पोयम का पूरा अर्थ आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा, अब देखिए पोयम को करने के बाद अब इसका कंपैरिजन जो है ये भी बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है, ये भी आपको करना है, ये आपके टेस्ट में एग्जाम में आता है। ठीक है, हम कोई भी ये करवाएंगे, कोई भी पोयम करवाते हैं, कोई भी लेसन करवाते हैं, तो उसका कंपैरिजन बहुत जरूरी है। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि आप हर लेसन, हर पोएट्री का नाम एंड पोएट नेम एंड ऑथर नेम, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। लिखते समय अक्सर आप बच्चे क्या कर देते हैं, ऑथर नेम गलत कर देते हैं या पोएट नेम गलत कर देते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि ये आपकी गलती ना हो। अब आप आइए कंपैरिजन, पहला हम लेते हैं आई ले इन सोरो दैट देयर काइंडली वर्ड, ये आपका पूरा जो फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है, उसका कंपैरिजन हम आपको बता रहे हैं। मेरे बच्चों मुझे बहुत अच्छे से पता है आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छे हो, इसीलिए आप जो है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से लिख कर समझा रही हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप इसको बहुत अच्छे से करो। ठीक है ना बेटा, ओके। अब देखिए पहला इसका है, सबसे पहले रहता है कोई भी पैसेज रहेगा, कोई भी पोएट्री रहेगा, आपका ये क्वेश्चन पहले जरूर रहेगा कि राइट द नेम ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन एंड हु इज पोएट, है ना, कि ये जो स्टैंजा है ये किस पोयम से लिया गया है और इसके पोएट कौन है। ठीक है बेटा, अब देखिए आंसर है द पोएट्री नेम इज सिंपैथी। ठीक है, इस पोएट्री का नाम क्या है, सिंपैथी है, उससे लिया गया है और पोएट्स नेम इज चार्ल्स मैके। ठीक है, पोएट का नाम क्या है, चार्ल्स मैके। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट, उस प्राउड घमंडी आदमी ने पोएट की कैसे मदद करी। वैसे ये तो मैंने आपको स्टैंजा में समझाया ही था, एक्सप्लेनेशन में समझाया ही था, इसलिए आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। द प्राउड मैन हेल्प द पोएट बाय गिव हिम मनी, है ना,
गोल्ड है, गोल्ड में मनी आया है यहाँ पे, तो उसने उसकी हेल्प कैसे करी, मनी देकर, ठीक है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पोयर, अब सेकंड इसी स्टैंजा से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन रहेंगे बेटा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे स्टैंजा को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर इसी से फाइंड आउट कीजिए। अब बता रहे हैं पोएट की अवस्था कैसी थी। द कंडीशन ऑफ द पोएट वॉज वेरी बैड, ही वॉज इन डीप सोरो, है ना, उसकी कंडीशन जो थी, उसकी हालत जो थी बहुत खराब थी और वो बहुत ही गहरे सदमे में था, दुखी में था। ए प्राउड रिच मैन हर्ड हिम, एक घमंडी अमीर आदमी ने उसके दर्द को सुना, ठीक। नाउ सेकेंड स्टैंजा है, माई सोरो पास डेथ डेथ चैरिटी। अब ये वाला भी स्टैंजा आपको पहले हम लिखवा चुके हैं और उम्मीद है कि आपके पास बुक भी होगी, तो आप उसमें को पूरे अच्छे तरह से पढ़िए। पढ़ने के बाद अब इसका भी देखिए जो क्वेश्चन है, आप इससे बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। पहला, माई सोरो पास, हु सेड एंड व्हाट डज ही मीन दिस वर्ड, ये जो वर्ड्स बोले हैं, लाइन बोला है कि माई सोरो इस पास, किसने कहा, ठीक है, और इसका मतलब, पोएट कहने का मतलब ये क्या है, तो क्या है, द पोएट सेड दिस वर्ड, किसने कहा इसको, पोएट ने कहा, और उनका कहने का मतलब ये था, ही मीन्स दैट नाउ ही वाज वेल एंड हिज हेल्थ इज फाइन, कि इस समय जो है वो बहुत ही ठीक है, अच्छी अवस्था में, और उसका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, ये उनका ये कहने का मतलब है कि मेरे जो कष्ट है वो अब पास हो गया, बीत गया, मेरे दुख के दिन अब खत्म हो गए, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द पोएट बैक हिज मनी, पोएट ने उसके पैसे को कब वापस किया, तो सीधा सा आंसर है बेटा, द पोएट पेड बैक हिज मनी आफ्टर पास द सोरो, है ना, पोएट ने उसके इसको वापस किया कब, उसके दुख, उसका कष्ट, उसकी बीमारी दूर होने के बाद उसने उसको वापस किया। व्हाट डिड द पोएट से टू द रिच मैन, पोएट ने उस रिच मैन से क्या कहा, द पोएट सेड टू द रिच मैन थैंक्स फॉर हिज चैरिटी। अब देखिए उनके अंदर ये भावना थी कि उन्होंने क्या किया, उसको थैंक्स किया, और सिर्फ देखो यही होता है एक अंतर एक अमीर और गरीब में, तो इसने तो क्या किया, पोएट ने तो जाके उसका पैसा भी वापस किया, उल्टा उसको धन्यवाद भी कहा, सिर्फ ऐसे जाके कि हाँ भैया आपने पैसा दिया, लीजिए आपका पैसा, बस हो गया, लेकिन नहीं, उनके अंदर देखिए कैसी मानवता थी कि उन्होंने पैसे को वापस किया और थैंक्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारे दो स्टैंजा यहाँ पे खत्म होते हैं, अब थर्ड एक स्टैंजा मैं आपको और लिखवाती हूँ, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन हम तीन आपको बताएंगे, तो दो हम आपको बता चुके, ठीक है। अब आइए, ये तीसरा कॉम्प्रिहेंशन है, आई ले इन वॉन्ट डैश डैश नाइट एंड डे, ठीक है। अब इसका देखिए क्या है क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड पहला है, नेक्स्ट टाइम व्हेन द पोएट वॉज इल, हु पास फ्रॉम नियर हिम, एक बार वो बीमार हुआ, आपने देखा है जब वो उनकी तबीयत खराब थी, उनका स्वास्थ्य खराब था, तो उनके पास से कौन गुजरा था, एक प्राउड रिच मैन। अब दूसरी टाइम बता रहे हैं, जब दूसरी बार इत्तेफाक से उनकी तबीयत फिर खराब हो गई और वो लेटे हुए थे, परेशान थे, तो उनके पास से कौन निकला, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन द पोएट वॉज इल, ए पुअर मैन पास फ्रॉम नियर हिम, कौन गुजरा, अब एक पुअर आदमी, एक गरीब आदमी उसके पास से निकला। हाउ डिड द पुअर मैन हेल्प द पुअर, अब देखिए आपने पढ़ा कि अमीर ने किस तरह से उसकी मदद की थी, लेकिन अब पुअर का पूछ कह रहे हैं, कुछ पुअर मैन ने पोएट की किस तरह से मदद की, द पुअर मैन हेल्प द पोएट, हेल्प द पुअर इन दिस वे, इस प्रकार से किया उसने उसकी मदद, कैसे, ही बाउंड हिज हेड,
उसके सिर में जो दर्द था उसमें उसने पट्टी बांधी, उसको सिर बांधा, एंड गेव हिम फूड और उसको खाने के लिए दिया, एंड लुक आफ्टर हिम डे एंड नाइट. सिर्फ खाना ही नहीं दिया बल्कि दिन रात लग कर उसकी देख रेख की. ये है आपका थर्ड स्टैंजा का. अब बेटा जब पोयम आपका एंड हो गया, आपका पूरा कंपैरिजन हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, अब ये लास्ट आपका है सेंटर आइडिया. ठीक है, ये सेंटर आइडिया है. देखिए पोएट का पूरा पोयम का एक सेंटर आइडिया लिया जाता है, वो है द पोएट वॉज इन डीप सॉरो, है ना, वो बहुत गहरे दुख में और उदास था. ही नीडेड मनी, ए प्राउड रिच मैन गेव हिम द मनी. उसको पैसे की बीमारी में कष्ट के समय हमको पैसे की जरूरत होती है, देखरेख की भी जरूरत होती है, लेकिन पैसा भी होता है, तो उसको वो पैसे की जरूरत थी. एक प्राउड अमीर आदमी ने उसको पैसा दिया, बट डिड नॉट स्पीक ए वर्ड ऑफ सिंपैथी. लेकिन उसने पैसा तो दिया लेकिन कोई भी उसको सहानुभूति का शब्द उसने नहीं कहा, बस उसको पैसा दिया हो गया. द पुअर द पोएट, द पोएट पेड हिम बैक द मनी विथ थैंक्स. अब देखिए पोएट की मानवता, उसने क्या किया, उसके मनी जो उसने दिया था उसको तो उसने धन्यवाद के साथ वापस कर दिया, जबकि उसने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ पैसा दिया हो गया, लेकिन उसने धन्यवाद के साथ उसको पैसा वापस किया. द नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट टाइम व्हेन, द नेक्स्ट टाइम व्हेन द पोएट वॉज इल, जब पोएट बीमार था, ए पुअर मैन took care of him, है ना, उसका देख रेख किया उसने, and looked after him, but now the poet could not return his service, love and sympathy, which is for greater a virtue, it is a divine virtue. अब देखिए क्या है कि पैसा तो उसने धन्यवाद के साथ प्राउड मैन को, रिच मैन को वापस कर दिया, लेकिन एक पुअर आदमी जो एक गरीब आदमी था उसने उसको खाने को दिया, उसको पट्टी बांधा, उसकी रात दिन देख रेख की, उसको अब वो पोएट कैसे वापस कर सकता है. बेटा ये पॉसिबल तो नहीं है, है ना, कि हम पैसा तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन किसी के द्वारा किया गया जो ये है उसको हम कैसे वापस करें, उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं. और यही इसकी महानता है पुअर आदमी की, कि उसने उसकी देख रेख की, रात दिन लगकर उसकी सेवा करी. तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सिंपैथी है ये महान है. ठीक है, पैसे से भी महान क्या है, सिंपैथी है. ये गॉड द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी हमें सम्मान करना चाहिए. अतः इस लेसन जो सिंपैथी है इसका यही वो है. हमें उम्मीद है बेटा कि आप सब बहुत अच्छे से समझ गए हो. अब आपका काम है इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए और आराम से इसको याद कीजिए. ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू.